पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर आज झारखंड में भाजपा की परिवर्तन यात्रा के उटारी रोड व हुसैनाबाद जनसभा प्रदेश में भ्रष्टाचारी जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सरकार द्वारा झारखंड में लौ जिहाद लैंड जिहाद को बढ़ावा देकर प्रदेश की जमीन और जनसंख्या का संतुलन को बदलने की बात कही है। श्री ठाकुर ने कहा कि पूरा झारखंड परिवर्तन की मांग कर रहा है क्योंकि यहां जन कल्याण की बजाय जिहाद कल्याण का काम चल रहा है और भाजपा की एकमात्र पार्टी है जो झारखंड के हितों की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है। एक साजिश के तहत आदिवासी बेटियों से बांग्लादेशी शादी कर रहे हैं और उनकी जमीन हड़प रहे हैं और यहाँ की प्रदेश सरकार इस कुकृत्य पर कार्रवाई करने के बजाय इसे बढ़ावा दे रही है। झारखंड में एक ऐसा पेपर लिख हो रहा है और तो और अब पेपर के नाम पर झारखंड को घंटे इंटरनेट की सुविधा से दूर रखा जाने लगा है। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह, प्रमंडलीय प्रभारी विकास प्रीतम, जिला अध्यक्ष अमित तिवारी, पूर्व सांसद सुनील सिंह, जवाहर पासवान, सांसद विष्णु दयाल राम, विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी, मुन्ना चंद्रवंशी, रामाशीष यादव, नरेंद्र पांडे, विभाकर नारायण पांडे, सोमेश सिंह, डॉक्टर अजय जायसवाल सहित अन्य नेता एवं कार्यकर्तागण मौजूद थे। रैली नहीं, यात्रा है। जो जनता का आक्रोश आज इस सामने शामिल हुए यात्रा में, आप देख के कह सकते हैं कि झारखंड की जो निकम्मी और कहा जाए तो वादा खिलाफी सरकार है, जिस तरह की अव्यवस्था फैलाए रखे, इसमें पूरे झारखंड में हम लोग परिवर्तन के लिए निकले हैं। परिवर्तन जरूर होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस निकम्मी सरकार में, जो अभी लव जो आपकी बात है अनुराग ठाकुर ने भी कहा, क्या लगता है आपको? आप लोग न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए हैं, हम अभी लोग अनुरोध न्यूज़ दे रहे हैं कि संथाल में किस तरह हिंदू की संख्या, आदिवासियों की संख्या घट रही है, मुसलमान उस पर जो है हावी होता जा रहा है बांग्लादेश से। अब दिन प्रतिदिन जहाँ हमारा जो हिंदू आदिवासी की संख्या घट रहा है, वहाँ आप खुद जान सकते हैं कि लव जिहाद हो रहा है कि नहीं। आपके विधानसभा में कांग्रेसी और जेएमएम के लोग भी अब धीरे धीरे भाजपा में आते जा रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? ये कहा जाए तो उनका एक देश के प्रति या राज्य के प्रति देशभक्ति की भावना जो जगह उनको, कांग्रेसियों को हम लोग स्वागत करते हैं, जिस तरह हम लोग देश भावना से काम करते हैं, ये तो एक पार्ट है दूसरा हमको। लेकिन पूरे देश में बीजेपी जो है हम राष्ट्रभक्ति देशभक्ति की भावना से काम करते हैं, वहाँ रहे उनका स्वागत है, उनको भी हम लोग अपने। क्या इस बार झारखंड में परिवर्तन होगा? जरूर होगा। ये आप जनसैलाब जो उमड़ा है इस परिवर्तन रथ यात्रा में, इसमें आप देख के कह सकते हैं कि जरूर परिवर्तन 100% गारंटी। काम किया, शिक्षा की व्यवस्था किया, चिकित्सा की व्यवस्था किया, इसीलिए लोग खुश हैं। और हम जन जन के लिए हैं, इसलिए आप भी आप देखें पता लगा सकते हैं किस तरह से यह कार्यक्रम को आप लोग हृदय से आप बताइए इतना बड़ा कार्यक्रम होता है कहीं, इसकी बहुत बड़ी विधानसभा चुनाव 36 जो है अभी योजना जो है अभी कल से शिलान्यास कर रहे हैं और 6 बजे है 7 लोग पुल का शिलान्यास कर रहे हैं। जहाँ स्थानीय लोगों को अपना घर बनाने में भी ये बांग्लादेशी घुसपैठी और हंगिया मुसलमान हो, ये अपना वहाँ पर कब्जा लगाने के लिए उनको वहाँ से भगाते और राज्य की सरकार सोई रहती है। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि यहाँ पर जो संख्या है, जनसंख्या लगातार इसका प्रतिशत बढ़ा है विशेष समुदाय का, राज्य की सरकार सोई हुई थी क्या? ये परिवर्तन कैसे आया? कौन लोग हैं, कैसे घुसपैठ की और कैसे स्थानीय झारखंड के लोगों पर इन्होंने इनका हक मारा है? झारखंड की सरकार ने कोई वायदा तो पूरा किया नहीं, ना 5 लाख नौकरियां दी, ना 5,000 और 7,000 रुपया जो बेरोजगारी भत्ता देना था वो दिया, ना महिलाओं को 2,000 रुपया दिया, और ना ही जो बड़े बड़े वायदे किए थे उनको पूरा किया। लेकिन वहीं पर मनरेगा घोटाला, ट्रांसफर घोटाला, अन्य जमीन घोटाले, जल जमीन सब पर, जंगल पर इनको लूटने का काम हेमंत सोरेन जी की सरकार में हुआ है, और घोटालों में घिरी हुई ये सरकार अब यहाँ के लोगों के अधिकारों की रक्षा भी नहीं कर पा रही। लोग परिवर्तन चाहते हैं और इस सरकार से मुक्ति चाहते हैं। तिरुपति मंदिर में मांस किया जा रहा है, मछली का तेल किया जा रहा है लड्डू के माध्यम से, क्या निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का किसी को हक नहीं, और ऐसा स्थान जहां पर करोड़ों करोड़ों सनातनियों का आस्था विश्वास बना हुआ है,
अगर वैसे धार्मिक स्थान पर अगर ऐसा कुछ किया गया तो उसको कड़ा से कड़ा दंड देना चाहिए। सर, झारखंड के युवा कब तक बाहर पलायन करते रहेंगे? अब हो गया।